गुरुग्राम पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने ग्रुप नाम के हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन पर एक अंडरपास और फ्लाईओवर के साथ फुटओवर ब्रिज का उद्घाटन किया। इसके अलावा सेक्टर 111-115 की जलापूर्ति के लिए प्रणाली का भी उद्घाटन किया। गुरुग्राम में जाम से निजात दिलाने के लिए और लोगों को सफर सुहाना हो इसके लिए आज गुरुग्राम में हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन पर एक फ्लाईओवर और अंडरपास का उद्घाटन किया। जीएमडीए की तरफ से इस पूरे अंडरपास फ्लाईओवर और फुटओवर ब्रिज का निर्माण किया गया है। पिछले काफ़ी समय से इसकी मांग थी, इसी को मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसका निर्माण के आदेश जारी किए थे और आज ये पूरा कार्य हो गया है, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम पहुंचकर किया। इन कार्यों पर 52,12,00,000 रुपए की लागत आई है, जिससे मेट्रो स्टेशन के पास के क्षेत्र को ट्रैफिक जाम से मुक्त किया गया है। इस परियोजना को गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण ने पूरा करवाया है, जिसके तहत 750 मीटर लंबाई का 4 लेन का अंडरपास बनाने के अलावा सिग्नेचर टावर व इफ्को चौक पर 2 फुटओवर ब्रिज बनाए गए हैं। इनके साथ एक फ्लाईओवर का निर्माण भी मेट्रो स्टेशन के सामने किया गया है। उसका 42 लाख का अनुमान है। उस 42 लाख के हिसाब से हमको सब रचनाएं ये करनी है, और न केवल 42 लाख लोगों की रचनाएं, बल्कि जैसा मैंने बताया विश्व का एक आधुनिकतम शहर ये हमारा हो, स्मार्ट सिटी। ये परियोजना भले ही देश में केंद्र सरकार की ओर से चलाई गई थी, लेकिन हमने उस समय कहा था कि गुरुग्राम स्मार्ट नहीं बल्कि स्मार्टेस्ट सिटी ये हमारा बनेगा। और उस नाते से के गुरुग्राम की लगातार जो विकास के कार्यों की एक झड़ी लगी है, उसमें आज कुछ आयाम और जुड़ रहे हैं। पहला तो ये जो हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन, यहाँ कितना ट्रैफिक जाम होता था, कितनी भीड़ लगती थी, उसको निजात दिलाने के लिए एक अंडरपास, एक फ्लाईओवर, एक फुटओवर ब्रिज, इस प्रकार की ये योजना, इसका उद्घाटन किया जा रहा है। लगभग 52 करोड़ रुपए की राशि का ये प्रोजेक्ट जो है, इसको आज उद्घाटन के रूप में लिया जा रहा है। दूसरी परियोजना जो पानी के सप्लाई की जोन 8 सेक्टर 111-115 जो जलापूर्ति का नेटवर्क बनाया गया है, उसका उद्घाटन किया है। लगभग 10 करोड़ रुपए की राशि का उसमें भी खर्च आया है। बंधु भाई बहनों, गुरुग्राम नगर ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एक नगर है। मैं इसको केवल एक शहर के रूप में नहीं देखता, बल्कि जिस प्रकार का स्थान गुरुग्राम का विश्वव्यापी एक प्रसिद्धि का स्थान बना है, मैं समझता हूँ हमारे लिए हरियाणा का दुनिया के साथ जोड़ने के लिए जो सेतु का काम है वो गुरुग्राम नगर कर रहा है। तो ये सेतु बढ़िया कैसे बने, दुनिया के लोग ज़्यादा यहाँ किस प्रकार से आकर्षित हों या आए, भले हमारी अपनी आबादी इसमें। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने कहा है कि यह पेयजल आपूर्ति इतनी बेहतरीन होगी कि लोगों को पानी के शुद्धिकरण के लिए आरओ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेशर्त है कि कॉलोनाइजर द्वारा पानी के भंडारण की व्यवस्था को सही ढंग से रखरखाव किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट।